हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड वो होता है जो आपकी कंपनी आपसे साइन करवाती है, और उसमें मेंशन होता है कि जब से आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपको इतने इतने दिन इस कंपनी में सर्व करना होगा, जो लगभग 2 से 3 साल होंगे। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर आप 3 साल पहले उस कंपनी को छोड़ते हैं, तो आपको एक्स अमाउंट जो है उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये होता है एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि किस तरह से काम करता है, क्या ये लीगल है या नहीं है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर आप वो बॉन्ड तोड़ते हैं। इस वीडियो में मैं उन कॉमन क्वेश्चंस को पिक करूंगा जो उस वीडियो डालने के बाद मुझे आए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये क्वेश्चंस हैं, अलग अलग यूजर्स की अलग अलग क्वेरीज हो सकती हैं, और आज इस वीडियो में मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि आपको भी सेम प्रॉब्लम हो, आप भी सेम सिचुएशन में फंसे हुए हों, तो इसलिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। तो गाइस, बिना कोई देर किए हुए जल्दी से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइनिंग के ऊपर है, तो इनका सवाल है कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें अपना जो बॉन्ड है वो एक वर्ड फॉर्मेट के अंदर शेयर किया। इन्होंने उसको डिजिटली साइन करके सेंड कर दिया। अब जब काम ज्वाइन किया, तो इनको ये फील हो रहा है कि इन्हें वो काम नहीं करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, और इन्हें वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो बॉन्ड है वो 2 लाख का है, पर क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही दिन काम किया है और इन्होंने कोई अटेंडेंस भी मार्क नहीं किया है, तो इनका सवाल यह है कि क्या मैं एब्सकॉन्ड कर सकता हूं। तो भाई, कंपनी जो बॉन्ड साइन करवाती है, उनका मेन रीजन ये होता है कि जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगी 1 महीना 2 महीना, तो क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप छोड़ने के बाद उन्होंने जो आपके ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं उससे उनको नुकसान उठाना पड़े। अब आपके केस में क्योंकि आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली, आपने उनकी ये सर्विस का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा लायबिलिटी नहीं है कि वो आपसे पैसे मांगे। उनका कोई हक नहीं बनता कि वो आपसे 2 लाख का बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड अमाउंट मांगे, क्योंकि आपने कभी उनकी कोई ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं की। तो इस केस में मैं आपको ये बोलूंगा कि एब्सकॉन्ड करने के बजाय आप जाके इन्फॉर्म कर दीजिए कंपनी को कि मैं ये कंपनी छोड़ने वाला हूं। और इस केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शायद वो आपको कोई लेटर ही ना दे, आपको कोई रिलीविंग लेटर नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म रहेगा कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं। पर इसका आपको भी कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन के लिए कोई रिलीविंग लेटर तो देता नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये जो पीरियड आपने इस कंपनी में स्पेंड किया है, मे बी 1 हफ्ता हो सकता है, तो आप 1 हफ्ते का कुछ रीजन दीजिए कि 1 हफ्ते आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास प्रॉब्लम होने वाला है आपको। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, वो पूछती हैं, सर आई एम अ फ्रेशर, आई हैव ज्वाइंड एन MNC बिफोर 2 मंथ्स, वेयर आई हैव साइंड अ बॉन्ड ऑफ 2 इयर्स, द पेनल्टी अमाउंट इज 1.2 लाख्स। Now I have an offer from another good company which is paying me more. Moreover, I don't find any interest in the technology I have been trained in my present company. I badly want to switch to another company, but I am afraid of breaking the bond as I have to pay the penalty amount. What should I do? Please guide. So guys, जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, तो हमेशा ये डर होता है हमें कि क्या पता अगर कल को हम जाके कंपनी से बात करें तो वो हमें डायरेक्टली 2 लाख या जो भी अमाउंट है बॉन्ड का वो हमसे मांग लेंगी। इसके अलावा हमारे रिलेशन भी खराब हो जाएंगे कंपनी से, हमें जो है आगे जब हम कंपनी में जाएंगे तो ये कंपनी जो है, जो प्रेजेंट कंपनी है, ये हमारे बारे में गलत रिव्यू देगी और हमें जो है हमारा करियर जो है खराब करने की कोशिश करेगी। ये हम सबके दिल में डर रहता है। मेरी एडवाइस ये है कि एब्सकॉन्डिंग बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। आप जाके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात करिए, ठीक है, उनको कहिए कि आप ये कंपनी छोड़ना चाहते हैं, और जो भी आप उनके सेटलमेंट की बात करिए कि जो भी सेटलमेंट है वो हम करने को तैयार हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब आप बात करेंगे तो जितना भी आप टाइम आपने इस कंपनी में स्पेंड किया है, 6 महीने या 1 साल, आपको सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद कंपनी का ये काम है कि आपको रिलीविंग लेटर दे। अब ये रिलीविंग लेटर आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब जब सेटलमेंट की बात आती है, तो बेसिकली 3 टाइप के सेटलमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपने कंपनी में जाके बात की, ऐसा हो सकता है कि कंपनी आप पे कोई एक्शन ही ना ले, हो सकता है कि आपकी कुछ अच्छे कनेक्शंस हो, अच्छा गुडविल हो, तो कंपनी आपसे कोई बॉन्ड के पैसे ना ले और आपको सिंपली जो है वहां से रिलीज कर दे। तो इस केस में सबसे बेस्ट है, आपका फायदा ही है। अब सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि कंपनी से जब आप सेटलमेंट की बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी आने वाली सैलरी को रुका दे, यानी अगर आपका 2 महीने बाद लास्ट डे है, तो ये 2 महीने की वो सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करे। और ये सबसे कॉमन तरीका है, अक्सर कंपनीज यही टेक्निक इस्तेमाल करती है। अब जो थर्ड है और जो सबसे बड़ी स्टेप होता है, वो है कि कंपनी आपके केस में कोर्ट जा सकती है, ठीक है, वो जा सकती है कोर्ट में, आपके ऊपर फाइल सूट कर सकती है, और कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कितना सेटलमेंट अमाउंट देना चाहिए।
पर ये केस में कंपनीज बहुत ही कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना टाइम देना पड़ता है, उनको लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उनको केस फाइलिंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए कंपनीज जो है ये डायरेक्शन में काफी कम केसेस में जाती है, अक्सर इसमें वो सेकंड वाला स्टेप ही फॉलो करती है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो कंपनी में काम करते हैं वहां से ये छोड़ना चाहते हैं, और इनफैक्ट ये खुद पैसे पे करना चाहते हैं कंपनी को, जो भी उनका जो भी वो सेटलमेंट अमाउंट है वो ये खुद पे करना चाहते हैं, फिर भी इनकी कंपनी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट इनकी कंपनी ये चाहती है कि वो इनको जो है रिलीविंग लेटर ना दे, एक्सपीरियंस लेटर ना दे। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या कंपनी के पास ये राइट है ऐसा करने का, और दूसरा इनका क्वेश्चन है और क्या वो मुझे वर्क करने फोर्स कर सकते हैं, एंड कैन आई टेक अ लीगल एक्शन इफ आई डोंट सर्व नोटिस पीरियड। तो फर्स्टली कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, इन कंपनी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आपको जबरदस्ती जबरन जो है वो काम करने के लिए फोर्स करिए। आपको उस कंपनी में काम करना है या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। हाँ, हो सकता है कि जो भी बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको सेटल करने पड़ेंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस कि आप जबरदस्ती उस कंपनी में काम नहीं कर सकते। अब इनकी सिचुएशन में क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि कंपनी इनको रिलीव करे, उनको पैसे भी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी अमाउंट है डायरेक्टली वो दे दीजिए, आप निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपकी कंपनी नहीं मानती है जैसा आपने बताया, तो आप डायरेक्टली जाके लीगल नोटिस कंपनी को भेज सकते हैं। कंपनी का कोई राइट नहीं बनता आपको रुकाने के लिए, आप जाके एक लॉयर हायर कीजिए और एक सिंपल लीगल नोटिस कंपनी को शूट कीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इन्होंने बॉन्ड साइन किया है 2 साल 6 महीने का, और उनकी जो एक्चुअल सैलरी है वो 8,500 है, पर कंपनी ने इन्हें शुरुआत के 2 महीने में बिल्कुल सैलरी नहीं दी, और उसके बाद से हर महीने सिर्फ 3,000 रुपये ही सैलरी दे रही है पिछले 1.5 साल से। तो और ये बोल रही है कि वो कंपनी जो है रेजिग्नेशन भी नहीं एक्सेप्ट कर रही क्योंकि उनका बॉन्ड है, तो इस केस में उनको क्या करना चाहिए, बेचारी बहुत परेशान है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी माल प्रैक्टिसेस कंपनी करती है, वो ये जानती है कि आपको एक फ्रेशर हो, आप जो है आपको नीड है जॉब की, आपको पैसे की जरूरत है, और आपके ऊपर वो प्रेशर डालती है बॉन्ड के जरिए कि आप उनके पास काम करें। इसके बाद भी वो आपको प्रॉपर सैलरी भी नहीं देती, आपसे 2-3 महीने की सैलरी रुका लेती है। ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में, हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब में। तो इनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि जो कंपनी गलत कर रही है, जब तक आप उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं वो आपको प्रेशराइज करते रहेंगे। और ये जो कंपनीज होती है ये अपने नाम के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, अगर इनका नाम खराब हो जाता है मार्केट में तो इनके को कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, कोई इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको इनके खिलाफ डरना नहीं है, आप सिंपली जाके लीगल एक्शन लीजिए, आप एक लॉयर को हायर कीजिए, इनके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए कि जो आपका हक की चीज है, भले आप कंपनी छोड़े या ना छोड़े, पर आपका जो हक की चीज है कि आपको इतनी इतनी सैलरी मिलनी चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिल रही है, बजाय इसके कि आप फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आई होप कि आप जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आने वाली हैं। तो इनका सवाल यह है कि ये जो कंपनी में काम करते थे उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, वहां पे बॉन्ड था, अब वो कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। तो ये बोल रहे हैं कि मैं वो केस लड़ रहा हूं, अपने इन्होंने लॉयर को भी हायर किया। उनका क्वेश्चन ये है कि कोर्ट कितनी पेनल्टी जो है इनसे लेगी। अब जो कोर्ट का फैसला होता है वो ज्यादा करके इंप्लॉय की साइड में होता है, जो भी हमने केसेस देखे हैं, और वो ये देखते हैं कि कैसे इंप्लॉय का बेनिफिट हो, और इंप्लॉय को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने आपके ऊपर कितना खर्चा किया, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली कि कितना अमाउंट आपको पेनल्टाइज होगा, कितना चार्ज होगा, ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर हाँ ये बोल सकता हूँ कि आपके साइड से ज्यादा सिचुएशन होगी, तो आप जो है इसको लड़ते रहिए, और मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। गाइस अगर आप ये सोच रहे हैं कि लीगल केस करने की वजह से जो है आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके ऊपर एक थप्पा आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं अपने राइट के लिए कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जो आगे आने वाली कंपनीज है वो भी ये बात समझती है कि किस तरह से जो है ये कंपनीज जो है बॉन्ड साइन करा के जो है लोगों को मैनिपुलेट करती है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स यूज करती हैं। बस यही रहेगा आपके साथ सजेशन के ट्रांसपेरेंट रहिए, और आगे आने वाली कंपनीज के साथ भी ट्रांसपेरेंट रहिए। जो भी सिचुएशन है वो बताइए कि ये सिचुएशन थी मेरी, इसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, इसकी वजह से कंपनी ने मेरे साथ ये स्टेप लिया, और आई नो कि आगे आने वाली कंपनी बहुत ज्यादा अवेयर होती है और ये सारी चीजें वो आपकी समझेंगी। तो गाइस ये थे वो कॉमन क्वेश्चंस जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ऊपर पूछे गए थे। आई होप कि आपका भी कोई ना कोई सिमिलर सिचुएशन होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्यूशन मिला होगा। तो गाइज ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज आपने गेन किया है। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।